guess I just wanna go, go, go to the deep end. गाइस कैसे हैं आप सब। अगर फ्रेंड्स आपके पास है आईटेल का A49 और इस फोन में आप रिंगटोन की सेटिंग करना चाहते हैं या फिर आपने रिंगटोन के लिए डाउनलोड करके रखा है, मतलब फाइल में आपने सेव करके रखा है उसको और आप उसको रिंगटोन में सेट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे कर सकते हैं और आप क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं रिंगटोन की, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी जो फोन की सेटिंग होती है वो ओपन करनी होगी। इसके बाद अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा साउंड ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो जो भी टोटली यहाँ पर रिंगटोन से रिलेटेड जो भी सिस्टम रहता है वो सभी यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर यहाँ पे मिल जाते हैं आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स, जो कि आप मीडिया वॉल्यूम के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। कॉल वॉल्यूम है, रिंगटोन वॉल्यूम है, अलार्म वॉल्यूम है, ये सब आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आके इनको आप चालू और बंद कर सकते हैं, मतलब जितना रखना चाहे उतना रख सकते हैं। यहाँ पे आपको वाइब्रेट फॉर कॉल्स का एक ऑप्शन यहाँ पे इनेबल मिलेगा। अगर आप वाइब्रेट करना चाहते हैं अपने फोन को तो ये इनेबल रखिए, बंद करना चाहते हो तो यहाँ आगे इसको डिसेबल करके बंद कर सकते हैं। अगर आपको सिम वन की रिंगटोन चेंज करना है तो सिम वन के लिए यहाँ पे सिम वन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी जो फोन की रिंगटोन्स होती है वो देखने को मिल जाएंगे। तो एक एक करके इनको प्ले करके सुन सकते हैं, जो भी अच्छी लगे यहाँ पे आपको ओके कर देनी है, वो तो आपकी चेंज हो जाएगी। अगर आपको फाइल से लगानी है, अपने फाइल में डाउनलोड करके रखिए, तो उसके लिए आपको ऐड रिंगटोन देखने को मिल जाता है, यहाँ क्लिक करना होगा तो आप डायरेक्ट फाइल में चले जाएंगे। तो फाइल में जाने के बाद आपको थ्री लाइन देखने को मिलेंगी, यहाँ पर क्लिक करना होगा, यहाँ आपका जो फ़ोन है उसमें जाना होगा अगर फ़ोन में है तो, अगर मेमोरी कार्ड में है तो मेमोरी कार्ड पर सेलेक्ट कीजिए और इस तरीके से आपको आ जाना होगा। तो यहाँ पे आपको उस फोल्डर में जाना है जिसमें आपने वो डाउनलोड करके रखी है या फिर आपने डलवाई हुई है, तो उस फोल्डर में जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको क्लिक करना होगा। जो भी रिंगटोन वगैरह है आपकी उस पर आपको सेलेक्ट कर देना होगा कुछ इस तरीके से, जो भी रिंगटोन है आप इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए और वापस आ जाइए तो आपकी वो रिंगटोन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो क्या करना है, सिंपली आपको पहले देख लेना है कहाँ पर ऐड हुई, सिंपली इस तरह क्लिक कर देना है और ओके कर देना, तो आपकी ये चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से सिम टू की चेंज कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन साउंड को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ आपको नोटिफिकेशन साउंड देखने को मिलेंगे। इनको भी फाइल से सेलेक्ट करना है तो ऐड नोटिफिकेशन पर जाके उसको भी सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको अलार्म साउंड चेंज करना है तो यहाँ पर आइए और यहाँ से अलार्म के लिए भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अदर साउंड सेटिंग करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ फीचर इस तरीके से इनेबल मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको जो डायल पैड है, मतलब नंबर के लिए डायल करते हैं, तो रिंगटोन जो आवाज़ आपको आती है उसको बंद करना तो ये डिसेबल करा के उसको बंद कर सकते हैं। इसके लॉक होते समय आवाज़ आती है उसको बंद करना तो यहाँ बंद करा सकते हैं इसको क्लिक करा के। अगर आपको टच में जो आवाज़ आती है टच के लिए आप कर रहे हैं तो वो बंद करना है तो यहाँ क्लिक करा के उसको बंद कर सकते हैं। और चार्जिंग पे जो पिन आप लगाते हैं अपने फ़ोन के अंदर वो आती है आवाज़ उसको बंद करना तो यहाँ क्लिक करा के उसको भी बंद कर सकते हैं। और जो आप बटन के लिए प्रेस कर रहे हैं तो आपको फोन जो वाइब्रेट होता है उसको भी बंद कराना चाहते हैं तो यहाँ बंद क्लिक करा के आप उसको भी बंद कर सकते हैं। तो ये सब आपको रिंगटोन की सेटिंग देखने को मिल जाती है इस फोन के अंदर। तो इस तरीके से आप सेटिंग ये कर सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।